नमस्कार, स्वागत है आपका। अच्छी खबर सच्ची खबर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन भारत ने शानदार शुरुआत की। ओलंपिक में जीत का पहला स्वाद चखाया है मनु भाकर ने। शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली पहली महिला का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही मनु ने शूटिंग में 12 साल का सूखा खत्म किया। मनु भाकर ने करीब 221 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर वो रही कोरिया की जिन्होंने 243 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं किम येजी ने 241 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मनु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो देश की दूसरी बेटियों ने अलग अलग प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल कर पदक जीतने की उम्मीद बंधा दी है। रमिता जिंदल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आज महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में फाइनल में जगह बना ली। महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी जीत के साथ पेरिस ओलंपिक में आगाज किया। महिला सिंगल्स का पहला मैच खेलते हुए सिंधु ने मालदीव की फतिमत नबाहा को सीधे गेम में हराया। सिंधु ने 21-9, 21-6 से मैच जीता। दो बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन ने पेरिस ओलंपिक का दमदार तरीके से आगाज किया। जरीन ने जर्मनी की मैक्सी करीना पर जीत के साथ ही महिलाओं के 50 किलोग्राम ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं भारत की मनिका बत्रा टेबल टेनिस वुमेन सिंगल के दूसरे दौर में पहुंच चुकी हैं। मनिका ने कड़े मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन की अन्ना हर्सी को 4-1 से हराया। जीत के साथ ही मनिका बत्रा राउंड 2 के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मनु भाकर की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जीतकर भारत को जश्न मनाने का मौका दिया है। हजारों किलोमीटर दूर पेरिस से जैसे ही भारत की बेटी ने पदक पर कब्जा किया, पूरा देश खुशी से झूम उठा। आखिर हो भी क्यों ना, पेरिस ओलंपिक में भारत का ये पहला मेडल है और उससे भी बड़ी बात ये कि शूटिंग में पहली बार भारत की किसी बेटी ने मेडल जीता है। मनु भाकर ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने के साथ ही शूटिंग में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला का खिताब अपने नाम कर लिया है। मनु भाकर के गांव गोरिया में उसके घर पर आस पड़ोस के बच्चों समेत लोगों का हुजूम इकट्ठा था। सबकी नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी थी। जैसे जैसे मनु भाकर पदक के करीब बढ़ रही थी, घर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था और फिर पदक पर कब्जा जमाते ही लोग खुशी से झूम उठे। आशीर्वाद हो, बहुत बढ़िया बेटी ने, बहुत तारीफ करी है बेटी ने, बहुत बात करी है। आपको धन्यवाद जी, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पहली बार शूटिंग में हमारे लिए ये जो मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। हमें आशा ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, परंतु फिर भी एक अच्छी अचीवमेंट है। संघर्ष तो एक प्लेयर के लिए ओलंपिक तक जाने के लिए होता ही है। बाकी इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एंड सी विल टेक पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट 2 ऑल्सो, सो होपिंग फॉर द पॉजिटिव एंड सी विल डेफिनेटली गेट द गोल्ड मेडल। मनु भाकर जिस स्कूल से शूटिंग किया करती थी, उस स्कूल के बच्चे भी मनु की दादी के घर पर उसकी जीत के गवाह बन रहे थे। मनु की जीत पर बच्चे भी खुशी से झूम उठे। अब मनु भाकर जो दीदी है, वो हमारे स्कूल से ही वो शूटिंग पहले करती थी और आज बहुत खुशी हुई कि उसने इतना बड़ा हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया। मनु दीदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो हमारे स्कूल में पढ़ती थी और हमारे शूटिंग रेंज में शूटिंग करती थी। अभी 2 मैच हो रहे हैं, क्या उम्मीद है मनु दीदी? हमें उम्मीद है कि अब गोल्ड जीत के आए। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया है। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां मेडल है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में सिल्वर, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड और 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज जीता था। लेकिन मनु भाकर का ये ब्रॉन्ज मेडल इसलिए खास है कि पहली बार ओलंपिक में शूटिंग में भारत की बेटी ने पदक जीता है। अब तक शूटिंग में जितने भी मेडल आए वो पुरुषों ने जीते थे।
इस जीत का पहला श्रेय मनु ने भगवत गीता को दिया। जीत के बाद मनु ने कहा कि मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ, इससे फोकस करने में मदद मिलती है। आज के मैच में मैंने आखिर तक टारगेट पर फोकस किया। मैं खुश हूँ, भारत इससे ज्यादा डिजर्व करता है। उम्मीद है कि बाकी इवेंट में भारत और मेडल जीतेगा। इधर फरीदाबाद में मनु के माता पिता भी बेटी की इस कामयाबी पर गदगद हो उठे। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर उन्होंने बेटी की जीत का जश्न मनाया। खुश है, मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से, और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। जो मनु के कोच थे अनिल जाखड़ सर, तो उन्होंने किसी से पैसे में उधार ले लेके मनु को 25 मीटर पिस्टल खेलने को दी थी। जब मनु ने 25 मीटर मेडल जीता तो मनु बोली, मम्मी पापा भी मेरी अपनी एक पिस्टल होगी, क्योंकि मैं उसमें ना माल फंक्शन बहुत होते हैं, किसी की पैसे में खरीद के करते थे, उस पिस्टल से बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। मनु भाकर की इस कामयाबी पर पूरे देश को गर्व है। उम्मीद है मनु ने पेरिस ओलंपिक में पदक का जो खाता खोला है वो आने वाले दिनों में कई गुना होकर पूरे देश को गौरवान्वित करने का और भी मौका देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मनु भाकर के ब्रॉन्ज जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, ये एक खास जीत है, मनु भाकर शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है, शानदार उपलब्धि। ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी ने किया और साथ ही साथ इसे भारत के लिए गौरव का एक क्षण बताया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा, पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वो निशानेबाजी प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है, उनकी उपलब्धि कई खिलाड़ियों विशेषकर महिलाओं को प्रेरित करेगी। ये ट्वीट किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज और पूर्व एथलीट अभिनव बिंद्रा ने एक्स पर लिखा, पेरिस 2024 में एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर को हार्दिक बधाई। आपकी अथक लगन, कड़ी मेहनत और जुनून ने वास्तव में फल दिया है। आपके कौशल और दृढ़ संकल्प को देखना अविश्वसनीय है, जो प्रत्येक शॉट के साथ भारत को गौरवान्वित करता है। ये उपलब्धि आपकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। चमकते रहो मनु, ये ट्वीट किया गया है। तो लगातार बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं एथेंस ओलंपिक 2004 में सिल्वर मेडल जीतने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी मनु भाकर को जीत की बधाई दी है। राज्यवर्धन सिंह ने एक्स पर लिखा, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली पदक विजेता बनकर इतिहास रचा। उन्होंने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता तो भारतीय खेलों के लिए एक शानदार उपलब्धि है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर मनु को बधाई। वहीं भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूता ने मेडल की आस जगा दी है। बाबूता 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। बाबूता ने 60 शॉट की क्वालिफिकेशन सीरीज में 630 का स्कोर बनाया और सातवें स्थान पर रहे। टॉप 8 खिलाड़ियों के फाइनल में जगह बना ली गई है। इस इवेंट का फाइनल मुकाबला सोमवार को अब खेला जाना है। वहीं रोइंग में बलराज पवार मेन सिंगल्स स्कल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। बलराज ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। बलराज पवार पुरुष एकल स्कल्स स्पर्धा के रेपचेज 2 में दूसरे स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 25 वर्षीय आर्मी मैन रेपचेज 2 में करीब 7 मिनट 12 सेकंड का समय लेकर मोनाको के क्वेंटिन एंटोगनेली के बाद दूसरे स्थान पर रहे। देखिए, भारत की पहली जीत के साथ ही पेरिस ओलंपिक में भारत 18वें स्थान पर आ गया है। मेडल लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया 5 पदक के साथ पहले नंबर पर है। उसके बाद 4 मेडल के साथ चीन, उसके बाद अगला नंबर है साउथ कोरिया का जहां 5 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है। अमेरिका 5 मेडल के साथ चौथे स्थान पर बना हुआ है और उसके बाद है भारत। ब्रॉन्ज मेडल 1 अभी हमारे नाम हुआ है।
और अब बात श्रावण मेले की। हिंदू धर्म में हर महीने का अपना विशेष महत्व है, वहीं सावन माह को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। सावन में पड़ने वाले सभी तिथि और व्रत को सुख सौभाग्य का कारक माना गया है। सावन भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इस माह में शिव जी की कृपा पाने के लिए उनकी विधिवत रूप से पूजा करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में जो भी भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना और व्रत रखता है, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और महादेव प्रसन्न होते हैं। कल दूसरा सावन का सोमवार है, जो विशेष योगों के साथ आ रहा है। कैसे करें दूसरे सावन सोमवार पर पूजा और क्या है इसका महत्व, चलिए जानते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। वही सोमवार का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब ये सोमवार सावन में पड़ते हैं। सावन माह में पड़ने वाले सोमवार को व्रत और विधि विधान से पूजा का काफी महत्व है। इस बार सावन में 5 सोमवार हैं। इसकी वजह से भी सावन का महीना महत्वपूर्ण हो गया है। पहला सावन सोमवार 22 जुलाई को था। सावन मास का दूसरा सावन सोमवार व्रत कल यानी 29 जुलाई को है। सावन का दूसरा सोमवार कई शुभ संयोग भी लेकर आ रहा है। सावन के दूसरे सोमवार पर भरणी नक्षत्र प्रातः 10:55 तक है। इसके बाद से कृतिका नक्षत्र है। शुभ योग की बात की जाए तो गंड योग सुबह से शाम 5:55 तक है। इसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ होगा। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:17 से लेकर 4:59 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:42 तक है। दूसरे सोमवार को अमृत काल का समय सुबह 6:17 से सुबह 7:50 तक है। दूसरे सावन सोमवार पे कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 5:55 तक है। इसके बाद से दशमी तिथि शुरू हो जाएगी, इसलिए इस सोमवार का महत्व काफी बढ़ जाता है। सावन का दूसरा सोमवार नवमी तिथि के साथ आ रहा है और नवमी तिथि की स्वामिनी स्वयं माँ दुर्गा हैं। हर महीने के दोनों पक्ष की नवमी का महत्व अलग अलग है। नवमी और सोमवार का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। नवमी के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। सूर्यास्त के आसपास का समय प्रदोष का समय होता है। प्रदोष के समय में अगर आप भगवान शिव की पूजा करें आपको लाभ होगा। और इस बार सावन के दूसरे सोमवार का संयोग 29 जुलाई को है। तो देखिए, सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन और नवमी तिथि की स्वामिनी स्वयं भगवती दुर्गा यानी भगवान शिव और माता दुर्गा दोनों की संयुक्त कृपा इस बार आपको सावन के दूसरे सोमवार पर मिलेगी। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में सावन के दूसरे सोमवार पर क्या करना आवश्यक है ये जानना भी जरूरी है। व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और नवग्रहों की शांति के लिए सावन सोमवार के दिन रुद्राभिषेक जरूर करें। अगर सावन में पूरे माह शिव पूजा नहीं कर सकते हैं, तो सावन सोमवार पर भोलेनाथ का जलाभिषेक जरूर करें। मनोकामनाएं पूरी हों इसके लिए दिन भर शिव मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव
कृपा पाने के लिए सावन सोमवार के दिन शिव पुराण जरूर सुने या पढ़ें। दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की पूजन और उनके जलाभिषेक के लिए क्या विधान है ये भी जान लेते हैं। इस दिन प्रातः काल स्नान करके श्वेत वस्त्र सफेद वस्त्र धारण करिएगा। महिलाएं हैं तो लाल गुलाबी हरा वस्त्र पहन सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। भगवान शिव को सफेद वस्तु का भोग लगाइएगा, जैसे खीर सफेद मिठाई चीनी इसका भोग लगाइए और इसके बाद अधिक से अधिक शिव मंत्र नमः शिवाय का जप करिएगा। सावन के दूसरे सोमवार पर रात के समय भी भगवान शिव के सामने घी का दीपक जला करके शिव मंत्र का जप करिएगा। बेहतर होगा सावन के दूसरे सोमवार पर आप उपवास रखें, दिन में केवल जल और फल ग्रहण करें, नमक और अनाज का सेवन ना करें। लेकिन मान लिया कि आप बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी भोजन करें उसमें प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। पूरी तरह से सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। सुबह और रात के समय में भगवान शिव की और माता दुर्गा की संयुक्त पूजा करिएगा। सावन के दूसरे सोमवार के शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मान्यता है कि दूसरे सोमवार के दिन शिव की पूजा को अलग अलग पुष्प अर्पित करने से भी शुभ फल मिलता है। इस साल सावन की शुरुआत ही सोमवार से हुई थी और इसका समापन भी सोमवार के दिन ही हो रहा है। ऐसे में सावन के सोमवार पर शिव पूजा हर मनोकामना की पूर्ति करने वाला है। सावन के महीने में शिव आराधना फलदायी कही गई है। पूरी निष्ठा भक्ति भाव और आस्था के साथ सावन में शिव जी का पूजन करता है तो वो निश्चय ही अपने अभीष्ट को पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब एक बार फिर से बात करेंगे मनु भाकर की, क्योंकि देश की बेटी ने देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मनु भाकर की प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्या बातचीत हुई। हेलो, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद उत्साह और आनंद में हूँ। जी अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे। अभी आप स्वयं को वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की बेटी भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतना अच्छा है उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल, भी इसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर? वहाँ सब बहुत खुश है सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हम
हमने भी कोशिश की है कि वहाँ इतना ज्यादा सुविधाएं मिले जो हमारे खिलाड़ियों को खेल की दृष्टि से जो कम्फर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो घर पर बात हुई है राम कृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूंगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी जी। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। नमस्ते सर। चलिए, इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए।